विभिन्न संगठनों के माध्यम से पौधारोपण और बांग उखाड़ो अभियान को ऊपरी क्षेत्र में तेज कर दिया है, ताकि स्वास्थ्य एवं समृद्ध समाज के निर्माण के लिए पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ साथ प्रदेश में तेजी से पैर पसारते नशे पर अंकुश लगाने के लिए सजगता लाने की भी मुहिम शुरू कर दी है। रामपुर के साथ लगते कुल्लू जिला ने निर्मण के समीप भाजपा संगठन के साथ साथ महिलाओं, पुलिस आदि ने पहले पौधारोपण किया, उसके बाद बांग उखाड़ो अभियान चलाया। अभियान को शुरू करने से पहले महिलाओं ने विधिवत प्रतिज्ञा ली और संकल्प लिया कि वो जो पौधे रोप रहे हैं उनके संरक्षण के लिए प्रति वचनबद्ध होंगे। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। क्षेत्र में पनप रहे भांग को भी युद्ध स्तर पर प्रयास कर उखाड़ा जाएगा, ताकि युवा वर्ग इसकी चपेट में न आ सके। डीएन शुक्ला ने बताया कि निर्मण के समीप स्तागी धार में पहले पौधारोपण किया गया, उसके बाद पुलिस के साथ मिलकर भांग उठा उखाड़ो अभियान भी चलाया गया। वो क्षेत्र में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति लोग सचेत हों और नशे से भी युवा को दूर रखें। डीएन शुक्ला, आज हमने निर्मल पंचायत के स्तंगीदार वार्ड में पौधारोपण किया, जिसमें यहाँ की सभी महिलाओं ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया। और महिलाएं ही इस काम को बड़ी अच्छी तरह निभा सकती है, बड़ी ईमानदारी से कर सकती है। उसके साथ साथ हमने भांग भी उखाड़ी है, जिसमें अब युवाओं को जो है नशे के विरुद्ध जो है जागरूक कर रहे हैं। रीना भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने पौधारोपण किया, उसके बाद भांग उखाड़ने का क्रम जारी रखा। उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण किया गया, उसके बाद बस्तियों के नजदीक से आसानी से उपलब्ध होने वाले भांग के पौधों को भी नष्ट कर दिया गया। लेकिन इससे पहले प्रतिज्ञा ली गई कि वे पौधों का संरक्षण करेंगे, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी जागरूकता लाएंगे। कार्यक्रम भी किया यहाँ पर, हम युद्ध स्तर से जो है नशे के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम सब ने प्रतिज्ञा ली है कि जो हमने ये पेड़ लगाए हैं, हम इनका संरक्षण भी करेंगे और वातावरण को शुद्ध करेंगे।